गाइस गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस का फिफ्थ क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर्स ऑपरेशन करने में काम ऑपरेशन करने में यूज किए जाते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स हों या वैल्यूज हों। जैसे कि प्लस हमारा ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, ऐसे ही हमारे ऑपरेटर्स के भी किस्म, ऑपरेटर्स के भी जो होते हैं ना, काइंड्स होते हैं, ठीक है, किस्म होते हैं, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स हमारे बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। तो इन द एग्जाम्पल बिलो वी यूज द प्लस ऑपरेटर टू एड टूगेदर टू वैल्यूज। कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में मैंने प्लस का ऑपरेटर यूज किया है टू वैल्यूज को ऐड करने के लिए। जैसे int sum 1 is equal to 100 plus 50, ये 150 हो गया, ठीक है, 100 plus 50। int sum 2 sum 1 यानी कि 150 plus 250 is equal to 400 हो गया। कह रहा है कि int sum 3 sum 2 plus sum 2 400 plus 400 800। C++ divides the operators into following groups। ये मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये चारों जो है आपके काम के हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स इतने काम के नहीं है। तो डिस्कस करेंगे आगे जाके। आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ऑपरेटर, ये साइन है ऑपरेटर की, ये नेम है ऑपरेटर का, ये डिस्क्रिप्शन है कैसे क्या क्या होता है इस ऑपरेटर से, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लस एडिशन एड्स टुगेदर टू वैल्यूज, टू वैल्यूज को ऐड करता है, एक्स प्लस वाई जैसे ये आपको दिख रहा है। माइनस सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई टू वैल्यूज एक्स एंड वाई, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये कर रहा है, कैसे इसकी साइन है। डिविजन डिवाइड्स वन बाय अनदर, x अपॉन y, ये आप देख सकते हैं डिवाइड का ये है। मॉड्यूलस मॉड्यूलस रिटर्न द डिविडेंड रिमाइंडर। अच्छा, हम डिवाइड करते हैं सिंपल मेथड से तो वो एक रिमाइंडर देता है हमें, जैसे हम उर्दू में बाकी कहते हैं, तो वो रिटर्न जो रिमाइंडर देगा उसे हम मॉड्यूलस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं प्लस प्लस इंक्रीमेंट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, ये एक से वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाएगा, अगर 18 है तो वो 19 कर देगा, अगर 19 है तो वो 20 कर देगा, ये प्लस प्लस, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव डिक्रीमेंट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन, अच्छा ये एक से मतलब एक से वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक वैल्यू डिक्रीज करेगा हमारे कोई किसी भी जो हमारा आंसर आएगा उससे एक वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो चलते हैं अपने कंपाइलर पर, डेव सी प्लस प्लस पर, वहां पर मैंने प्रोग्राम्स करे हुए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी एड करी है, उसके बाद यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन int main white, उसके बाद मैंने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद आपने करना है int a, a को declare, a को असाइन करना है किसी भी नंबर से, ठीक है, बाद में देना है कामा, b को असाइन करना है किसी भी नंबर से, int से आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं आपके, ये जो है ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के, ठीक है। उसके बाद आपने आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, ये एड हो जाए, ये मैं कह रहा हूँ सी आउट ए प्लस बी, ये दोनों एड हो जाए और इंक्रीमेंट हो जाए वन से, एक ए जो ए का जो वैल्यू आए, जो मतलब ये दोनों प्लस हो तो ए में इंक्रीमेंट हो जाए वन की, तो वो वन की इंक्रीमेंट कर देगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, फिर बाद में ये इंक्रीमेंट कर देगा। तो ये गाइस प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, ये आप देख सकते हो 19 आपका आंसर आ चुका है, वैसे 18 होगा तो 19 आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद अगर आपने नेगेटिव, अगर आपके नेगेटिव का ऑपरेटर जो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आपने अगर ट्राई करना है, तो यहाँ पर नेगेटिव की साइन दे दें, यहाँ आपको रन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप रन कर दें, यह 7 आपका आंसर आ चुका है। तो क्योंकि ये 6 ही आएगा आंसर, लेकिन इंक्रीमेंट जो है तो वो 7 ही आंसर आपका आएगा। अगर डिक्रीमेंट करते हैं यहाँ पर तो वो भी आपका टर्मिनेटर लगा दें तो वो भी आपका यहाँ पर अभी 5 का आंसर आना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये आपका रन हो चुका है और ये आंसर आपका 5 भी आ चुका है। तो गाइस चलते हैं अभी अपने
नेक्स्ट जो ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर ठीक है। तो ये भी हम ट्राई करके देखते हैं। एक हमने डिक्रीमेंट किया हुआ है ठीक है 66, ठीक है गाइस। तो ये भी आपका आंसर सही आ चुका है बिल्कुल सही तरीके से। तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं डिवीजन ऑपरेटर ठीक है। ये इंक्रीमेंट हम और डिक्रीमेंट हटा देते हैं ठीक है। डिवीजन ऑपरेटर हम ट्राई करके देखते हैं कि सही से रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 2 आपका आंसर आ चुका है, 6 से अगर 12 से अगर 6 डिवाइड 6 से अगर 12 डिवाइड होगा तो आपका आंसर 2 ही आएगा। मॉड्यूलस यहां पर ट्राई करके देखते हैं, ये मॉड्यूलस आपका देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आपका मॉड्यूलस भी हो रहा है रन, 0 आपका आंसर आना चाहिए, रिमाइंडर 0 ही बचेगा यहाँ पर, ये आपका 0 रिमाइंडर हो गया ठीक है। तो इंक्रीमेंट भी हो गया, डिक्रीमेंट भी, सारे ऑपरेटर्स हो गए। अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको वहां पर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरे फेसबुक पर या मेरे ईमेल पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है गाइस। शुक्रिया।